हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों अभी हम लोग 10 वर्ड सीख के जाएंगे। यस, ये वर्ड आपको केडी पब्लिकेशन का सबसे बेस्ट बुक वॉल्यूम 1 से लिया गया है, जो किसी भी इंग्लिश लर्नर के लिए बहुत 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 आवश्यक है, और सरकारी नौकरी में तो यही वर्ड पूछता ही है। आइए, फर्स्ट वर्ड आप लोग के सामने है अपेलिंग। अपेलिंग मतलब भयावह, अपेलिंग मतलब होता है भयावह, बहुत भयावह, डरावना, है ना, बहुत डरावना, अपेलिंग। अपेलिंग को याद करने के लिए लिंक कर लीजिए स्पेलिंग, अपेलिंग को कर लीजिए स्पेलिंग। आजकल ना किसी भी चीज का जो स्पेलिंग याद करना बहुत भयावह लगता है, बट उनको कह दीजिए यार तुम निर्माण इंग्लिश से जुड़ जाओ, कैसा भी स्पेलिंग हो, कैसा भी अपेलिंग टाइप का स्पेलिंग हो, फिर भी बहुत इजीली याद हो जाएगा होल लाइफ के लिए। तो क्या याद हुआ? अपेलिंग। अपेलिंग मतलब बहुत भयावह, अपेलिंग मतलब बहुत भयावह। अपेलिंग को स्पेलिंग से याद कर लीजिए, स्पेलिंग कैसा हो, स्पेलिंग चाहे अपेलिंग टाइप का ही क्यों ना हो, हम लोग उसको बहुत इजीली याद करते हैं। अपेलिंग मतलब बहुत भयावह। एक है अपीजमेंट। अपीजमेंट मतलब होता है तुष्टिकरण या शांत या संतुष्टि, है ना। अपेलिंग क्या है? अपीजमेंट। अपीजमेंट मतलब तुष्टिकरण या शांत, है ना, अपीजमेंट। अब देखिए क्या है अपीजमेंट, क्योंकि अब पीसमैन ही कुछ कर सकते हैं। तो कौन आए? अपना गांधी जी। गांधी जी बेचारे एकदम शांत स्वभाव के थे। किस टाइप के थे? शांत थे। लोग मारता भी था फिर भी बर्दाश्त करते थे, कहते और मार लीजिए और मार लीजिए। एक बात बताइए, आप ही लोग कितना भी आप कमजोर हैं, अगर आपको कोई बिना मतलब के मारेगा, आप दो चार लोग के सामने कहे मार इनके पास ताकत है तो इसलिए हमको मार लिए, कितना भी बेशरम लोग पैदा हो जाए, फिर भी एक दिन शर्म तो आता जरूर है, एक दिन शर्म तो आता जरूर है। ऐसे ही बिना मतलब के अंग्रेज सब मारते 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 क्या कर लिया था, परेशान हो गया था, है ना। शर्म तो आएगा जरूर ना, शर्म के मारे चला गया, है ना। तो याद रहेगा अपीजमेंट। अब इसे पीसमैन ही शांत कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। दूसरा देखिए आर्चिव्स। आर्चिव्स मतलब होता है ऐतिहासिक या सरकारी दस्तावेज जहां रखा जाए। आर्चिव मतलब ऐतिहासिक या सरकारी दस्तावेज जहां रखा जाए। क्या कहते हैं? प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर कैप्ट, है ना। आर्चिव्स, आर्चिव्स मतलब सरकारी दस्तावेज जहां रखा जाए। चलिए, लोग जो है गांव में क्या करते हैं, झगड़ते रहते हैं, मेरा खेत मेरा खेत मेरा खेत, हमर पापा के हमर दादा के, लड़ते लड़ते बच्चा से बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, बट झगड़ा नहीं फरिया पाता है, है ना। तो फिर क्या करते हैं, उसी में से कोई एक बंदा हो गया आप लोग के जैसे, जो कहेगा अच्छा मेरे पापा को बिना मतलब को परेशान किया है, मेरे मम्मी पापा को सताया है, मैं ऐसा नौकरी अचीव करूंगा जहां आर्चीव वाला हो, जहां सरकारी दस्तावेज रखा जाता हो, नौकरी ऐसा अचीव करूंगा आर्चीव टाइप का, वहीं जहां सरकारी दस्तावेज रखा जाए तो वहीं जाके पूरा ठीक ठाक कर लेंगे, तब आके मार के फरिया लेंगे, है ना, बहुत सता लिया क्या करेंगे। तो आर्चीव्स, आर्चीव्स मतलब ऐसा नौकरी करेंगे अचीव्स जो हो आर्चीव्स। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड आप लोग का है आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव मतलब बहस करने वाला। आर्गुमेंट समझते हैं ना, बहस, बहसबाजी लोग करते रहते हैं, दो चार लोग नुक्कड़ पे बैठ जाएंगे, बहस करते रहेंगे बिना मतलब का, ये है वो है ऐसा ये गलत वो सही, बिना मतलब का वो व्यक्ति ही होते हैं आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव बहस करने वाले। आर्गुमेंट क्या बोल रहा है? ऑफन आर्गुइंग और रेडी टू आर्गू, है ना, हमेशा वे लोग आर्गू करने के लिए, बहस करने के लिए परेशान रहते हैं, बेताब रहते हैं, दूसरा कोई काम ही धंधा नहीं है। आर्गुमेंटेटिव मतलब बहस करने वाला। एक है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मतलब होता है अच्छा वक्ता। आर्टिकुलेट मतलब अच्छा वक्ता। आर्टिकुलेट मतलब अच्छा वक्ता, इसको याद करें। आरती को हो जाता है अक्सर लेट। आरती को हो जाता है अक्सर लेट। आरती को हो जाता है सर लेट। क्यों? क्योंकि आजकल आरती हो गई है आर्टिकुलेट। आजकल आरती हो गई है आर्टिकुलेट, इसीलिए तो आरती को हो जाता है अक्सर लेट। देखिए जो अच्छा वक्ता होता है ना, उनको बोलते बोलते स्पीच देते देते लेट हो ही जाता है। मान लेते हैं अगर कोई आपका, आप 15 मिनट का स्पीच का
स्क्रिप्ट तैयार किए। ओके जी, अगर आप अच्छा वक्ता है, अच्छा वक्ता है, तो ये स्क्रिप्ट को बोलते बोलते आपको एक घंटा दो घंटा भी लग जाएगा। स्क्रिप्ट तैयार किए 15 मिनट का। मोदी जी का भाषण देखे हैं जी, मोदी जी का भाषण देखते हैं, वो स्क्रिप्ट बनता है कितना, चलो 15-20 मिनट का। जब देने लगते हैं तो घंटों पता नहीं चलता, देते रह जाते हैं। तो अच्छा वक्ता, ऐसे ही आरती भी हो गई है, आरती भी हो गई है आर्टिकुलेट, इसीलिए तो आरती को हो जाता है अक्सर लेट। ओके, तो आप लोग भी अगर देखते होंगे अपने बारे में सोचिए, अगर आप 15 मिनट का स्पीक तैयार किए, स्क्रिप्ट लिखे स्पीच का, तो अगर आप अच्छा वक्ता है तो आधा घंटा भी लग जाएगा, अच्छा वक्ता नहीं है तो है स्क्रिप्ट 15 मिनट का, 5 मिनट में पूरा साफ, का बोले अंदर में कुछ अब है ये नहीं है, है ना। तो अच्छा वक्ता को हो जाता है अक्सर लेट, तभी तो उनको करते हैं आर्टिकुलेट, है ना। ये क्या है, एसिटिज्म में होता है सन्यास वैराग्य, है ना, सन्यासी वैरागी, एसिटिज्म करिए, ऐसे रहना ठीक नहीं। यार आप लोग के पास बाल बच्चे हैं, सबको देखिए, फिर एसिटिज्म होइएगा, ऐसे रहना ठीक नहीं, जो सबको छोड़ दिए और आ गए बन गए एसिटिज, ऐसे रहना ठीक नहीं, जो आके बन गए आप एसिटिज, सबको देखते चलिए, दुनिया है, लोगों का भला कीजिए, है ना। पुराने जमाने में कुछ नहीं हुआ करता था, लोग बन जाते थे वैरागी सन्यासी, है ना, ऐसे रहना ठीक नहीं, सबको देखिए, फिर इधर भी देखिए, भगवान को भी देखना है, है ना। तो क्या बोल रहा है, रिलीजियस बिलीव्स एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लेजर, है ना। लोग क्या कर दिए, रिलीजियस धर्म के पीछे अपने क्या है, अवॉइड कर दिए, सो लाइफ को बर्बाद कर दिए। नहीं, सबको आबाद कीजिए, जनता को भी मेहनत कीजिएगा, कुछ आगे बढ़िएगा, उपदेश भी जरूरी है, समाज के लिए कुछ वर्क भी जरूरी है ना। तो ऐसे रहना ठीक नहीं, एसिटिज मतलब संन्यास वैराग्य। नेक्स्ट क्या है, असॉल्ट मतलब मारपीट करना, असॉल्ट मतलब मारपीट करना। अगर कोई आपको कर दे कहीं पे इंसल्ट, आप उससे कर लीजिए असॉल्ट, यस, बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना। अगर आपको कोई करे इंसल्ट, आप उससे कर लीजिए असॉल्ट, यस, असॉल्ट मतलब मारपीट करना, असॉल्ट मतलब मारपीट करना। क्या बोल रहा है, अ वायलेंट अटैक। Asset मतलब संपत्ति। क्या valuables, वैल्यू आपका बढ़ जाएगा जब आपके पास संपत्ति हो जाए, ये सरकारी नौकरी हो जाए, आप वैल्यूएबल पर्सन हो जाएंगे, तब लोग कहेंगे आपका अब लाइफ है सेट। जब आपका लाइफ हो जाता है सेट, तो लोग करते हैं आपको एसेट, है ना। लाइफ सेट हो गया तो एसेट करेंगे लोग, वैल्यू देंगे। तो आप लोग भी दिल से पढ़िए यार, जब पढ़ ही रहे हैं तो गर्दा उड़ा के पढ़ ले, जो लाइफ में 20 साल बाद भी, 30 साल बाद भी, 50 साल बाद भी ये सेशन अगर याद आए, 2023-24 का साल तो दिल गार्डन हो जाए। गर्दा उड़ा दिए थे, पढ़े थे, गर्दा उड़ा दिए थे, है ना। अपने आप में भी गौरवान्वित होने का सीखिए, है ना। तो जब पढ़ ही रहे हैं तो लाइफ को कर लीजिए सेट, और लाइफ होगा सेट तो आपको मिलेगा एसेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, एट्रोसिटीज मतलब जुल्म, नरसंहार, हत्या, कत्लेआम। एसिटी क्या है, एट्रोसिटीज को याद करने के लिए लिंक कर लिए मेट्रो सिटीज। मेट्रो सिटीज में क्या होता है, अत्याचार, नृशंस हत्या। कभी देखें किसी गांव में आके पाकिस्तान से कोई बम गिरा दे, नहीं, वो कहां गिराएगा, वो गिराएगा मुंबई में, वो गिराएगा कोलकाता में, वो गिराएगा दिल्ली में, मेट्रो सिटी। एट्रोसिटीज कहां होता है, मेट्रो सिटीज में, जुल्म नरसंहार, मेट्रो सिटी। नेक्स्ट वर्ड,
एटीन्यूएट मतलब शांत करना क्या बोला है टू काम एटीन्यूएट है क्या है एटीन्यूएट मतलब शांत करना। अरे यार अब तूने उसे एटीन्यूएट कर दिया, पता है हम कितना देर से परेशान है उसको शांत करने के, लेकिन पगला शांत ही नहीं हो रहा है। अब तूने उसे एटीन्यूएट कर दिया शांत कर दिया। बहुत थैंक्स यार अब तूने उसे एटीन्यूएट कर दिया, हम तो परेशान हो चुके थे। उम्मीद है आज के वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। यार हम आप लोग के लिए कितना अच्छा से बहुत मेहनत करते हैं तब जाके इतना इजीली टाइप का कंटेंट तैयार होता है। सो प्लीज यार आप लोग भी थोड़ा हमको भी मोटिवेट कीजिए ना यार, हम भी तो इंसान ही है ना। तो प्लीज अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए यार, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ओके जी, अपना ग्रुप आप लोग के पास तो बहुत सारा ग्रुप है यार, सब में शेयर कर दीजिए। ओके, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।